नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं इस महीने का राशिफल, जिसमें हम चर्चा करेंगे आपकी राशि के बारे में, जनरल आउटलुक, करियर, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, परिवार, समाज और एक उपयोगी टिप। मेरा यह पूर्णमान 1 अप्रैल 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2018 तक के लिए रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको याद करवा दूं कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर रखा है ना? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, और हाँ, साथ ही घंटी वाले निशान को जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल आउटलुक। अगर आप में से कुछ सिंह जाति के जातक सोचते हैं कि आपने साल 2018 में अभी तक कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया है, तो उनके लिए अच्छी खबर यह है कि आपकी किस्मत इस महीने में बेहतर साथ देगी। अगर विस्तार से बात करें तो यह वह समय होगा जब आपका लगन का स्वामी सूर्य नवे भाव में प्रवेश करता होगा, जिससे आप खुद को भाग्यशाली और खुशहाल महसूस करना शुरू करेंगे। शुक्र आपके 10वें भाव यानी कि प्रोफेशन के स्वामी हैं, जो कि अपनी वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह सब होगा इस महीने 20 तारीख को, इसलिए आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली अच्छी चीजों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएं। इस दौरान आपको महीने भर में करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे। इसके अलावा आपका नवा भाव सामान्य से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। कुछ सिंह राशि वाले लोगों के लिए बिजनेस यात्राएं करने के लिए अच्छे अवसर मिलेंगे और इन यात्राओं के कारण आपके करियर में भी वृद्धि होगी। ऐसा भी देखा जा रहा है कि अगर आपके कुछ पुराने कानूनी मुद्दे हैं तो उनका भी समाधान किया जा सकता है। आपकी लव लाइफ अपने उच्च स्तर पर होगी और आप अपने लव पार्टनर को पॉजिटिव वाइब्स भेजेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आप दोनों सोशल इनविटेशंस में साथ साथ जाएंगे और जिंदगी के मजे लेंगे। पारिवारिक जीवन सामान्यतः शांतिपूर्ण होगा और इस महीने में बहुत अधिक बदलाव नहीं होंगे। हालांकि आप घर पर अतिरिक्त जिम्मेदारियों को लेकर अपने प्रियजनों को खुश करने का प्रयास करेंगे। इससे आपको अपने परिवार के सदस्यों से और अधिक प्यार, सम्मान, स्नेह आदि मिलेगा। आपका स्वास्थ्य और ऊर्जा इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप अपने गुस्से पर काबू रखने में भी सक्षम हो जाते हैं तो आप अपने घर और कार्यस्थल दोनों जगह पर जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। तो मित्रों, यह था आपकी राशि के अनुसार मेरा पूर्णमान इस महीने के लिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखाकर हमसे ज्योतिषीय सलाह चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आपको सिर्फ हमें फोन करना है और ज्योतिषीय सलाह के लिए अपॉइंटमेंट लेना है। और हाँ, एक बात का ध्यान रहे कि यह एक पेड कंसल्टेशन होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक भी करें। हमारे आने वाले अन्य वीडियोस की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक करें। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।